ट्रैफिक एजुकेशन सेल की ओर से ट्रैफिक सेमिनार का आयोजन नलवा ब्रिज पर एएसआई प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में किया गया, जहां पर उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन चालकों को अपील करते हुए कहा कि वे ना तो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ें और ना ही वो नियमों का उल्लंघन करें। इससे सुरक्षा बनी रहेगी और जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके चालान भी काटे जाएंगे। मेरी लोगों को अपील है कि जो रॉन्ग साइड आते हैं और रॉन्ग साइड ना आया करने से एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा, सही साइड आएंगे तो भी सेफ है, आने वाले भी सेफ है, इतने रोज़ ही कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, इस करके ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे राइट साइड ही आने की कोशिश करें। मेरी लोगों को यही अपील है जोड़े लोग अपना टाइम बचाने वास्ते नलवा ब्रिज जल्दी रोंग साइड क्रॉस करते हैं वो ये काम ना कर, इस करके साड़ी कोई बड़ी दुर्घटना होती है, बड़े रोड एक्सीडेंट होंगे तो कई लोगों की जाना जाती है। मानयोग SSP साहब के हुक्म अनुसार उत्थे कई बार जाके ट्रैफिक एजुकेशन सैल वालों उत्थे ट्रैफिक सैमीनार लगाए गए हैं, लोगों को इस चीज़ बारे जागरूक किया गया कि जिहड़े गलत दिशा में आ रहे लोगों इस चीज़ बारे दसाया गया भी इस तो आना बहुत ही गलत है, जरा भी रोड एक्सीडेंट होने का कारण बनते हैं। हूँ इस चीज़ का उपराला किया गया जी, बट उचित ऑफिसर के नोटिस में लिया कि इस चीज़ को लिया के आप इस चीज़ से जाकर उत्थे नाके लगा के जिहड़े लोग गलत दिशा में आ रहे हैं इन्हां दे चलान किए जाएंगे, तो लोगों को यह फिर अपील की जाती है भी वो चीज़ गलत दिशा में ना आन, तो अपनी जान का बचाव अगले का भी बचाव कर। जय हिंद। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।